नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जदयू ने राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज की है। जदयू ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। जदयू के एक प्रतिनिधि मंडल ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राजद के इन दोनों नेताओं का नामांकन रद्द करने की अपील की गई है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में जदयू प्रतिनिधि मंडल ने यह राजद के दोनों नेताओं तेजस्वी और तेज प्रताप पर आरोप लगाया है कि हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव और राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को छुपाया है। जदयू के तरफ से दिए गए ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह मांग किया गया है कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के द्वारा दिए गए हलफनामे की जांच की जाए एवं लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(2) के तहत कार्रवाई की जाए। जदयू के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि दिए गए ज्ञापन को भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त को सक्षम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नीरज कुमार ने बताया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी छुपाया है। प्रतिनिधि मंडल में जदयू के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े, राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खां, राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा, प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य व सुधेली मेहता और प्रवक्ता अरविंद निषाद शामिल थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल के नेता तीसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगले 5 साल कौन शासन करेगा। लेकिन इन सबके बीच जदयू के तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में विपक्षी पार्टी के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है वह अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पूनावाला ने चुनाव आयोग में दर्ज शिकायत में प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में दिए गए भाषण में चुनाव का सामुदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने अपने अधिवक्ता दीपाली द्विवेदी के माध्यम से चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज की है। हालांकि आयोग ने शिकायत को लेकर तत्काल में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।